कटिहार में एक अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर गांव के लोगों ने हमला बोल दिया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस जानकारी के अनुसार मनिहारी थाना क्षेत्र के नारायणपुर में कई मामलों के वांछित अपराधी जफर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम पहुंची थी, लेकिन इसी बीच जफर को पुलिस द्वारा दबोच लेने के बाद अचानक बड़ी संख्या में लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और आरोपी को छुड़ा कर ले गए। पथराव में मनिहारी डीएसपी एसएच फाकरी को गंभीर चोट आई है, वहीं कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। डीएसपी एसएच फाकरी, नवल किशोर सिंह, हकीम प्रसाद यादव, सरोज कुमार, अजय कुमार, राजू राम, किनको अधिक चोट है? एसएच फाकरी डीएसपी जिनको सर में चोट है, और नवल किशोर सिंह वो भी सर में चोट है, उनको घायल है, रेफर भी किया गया है। हाँ, डीएसपी एसएच फाकरी को रेफर किया गया है, सीटी स्कैन के लिए एडवाइस किया गया है। घटना पर गए थे उस टाइम सब आदमी वहाँ से हट गया था। क्या हुआ था? वो पता चला था कि मैंने कि जफरवा के घर में छापामारी हो रहा था और उसी दौरान मानते हैं कि उसको पकड़ा गया तो उसका सभी घर के आदमी था जो मैंने उग्र हो गया पुलिस से परी चलाना शुरू कर दिया लाठी डंडा। उसके बाद हम पहुंचे उसके बाद सब देखे कोई नहीं था। कौन कौन घायल हुआ? नवल किशोर सिंह और हाकिम यादव। कहाँ इलाज हुआ? ये तो सदर अस्पताल में हुआ, उसके बाद डीएसपी साहब गए हैं। वहीं घटना के बाद कई थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी पुलिसकर्मियों को बचाया। फिलहाल सभी पुलिसकर्मियों को मनिहारी अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक इलाज के लिए भेज दिया गया है। पंजाब केसरी के लिए कटिहार से रितेश रंजन की रिपोर्ट।